और अब खबरें विस्तार से। सोचिए आपके घर के ठीक बाहर तालाब हो और आपको सड़क से नहीं बल्कि नाव से बाजार जाना पड़े, नाव से ही मंदिर जाना पड़े और नाव से ही सब्जी लेने जाना पड़े। इसे क्या कहेंगे आप? ऐसी जिंदगी नर्क से तो कम नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसा ही जीवन जीने को मजबूर है जोधपुर में सुरसागर इलाके के खरबूजा बावड़ी क्षेत्र के लोग, जहां बारिश के बाद एक महीने से पानी जमा हो गया है। वहीं सीवरेज का भी पानी कोड़ में खाज का काम कर रहा है, जबकि जिम्मेदार कहलाने वाले नगर निगम समेत अन्य विभागों के अधिकारी नींद में हैं। फर्स्ट इंडिया ने जब मौके पर जायजा लिया तो हालात काफी डरावने थे। यहां मच्छरों की बढ़ती संख्या से लगभग हर घर में कोई ना कोई बीमार है। कहते हैं कि जब बारिश आती है तो परिवारों और समाज के लोगों की तकदीर और तस्वीर बदल जाती है, मगर जोधपुर का एक इलाका ऐसा है जहाँ पे जब बारिश आती है तो तकदीर उजड़ जाती है। जी हाँ, हम बात करें जोधपुर के सुरसागर इलाके के खरबूजा बावड़ी क्षेत्र की, जहाँ पर आप अभी भी देखिए बारिश का दौर खत्म हो चुका है, भीषण गर्मी शुरू हो चुकी है और मौसमी बीमारियों के बीच में ये जो पानी है अभी तक निकाला नहीं जा सका है। कई दिनों तक लोग जो जलदाय विभाग का और नगर निगम के द्वारा एक्शन लेने का इंतजार करते रहे, बाद में जब दबाव बनाया तब कहीं जाकर मोटर लग तो गई है, मगर पानी अभी तक रिस कर बाहर निकल रहा है। तब तक ऐसा नहीं हो कि इस इलाकों में कांगो फीवर या स्वाइन फ्लू का कहर हो जाए और ये इलाका जो है वो कहीं ना कहीं हर घर से किसी न किसी की मौत हो जाए, क्योंकि जो मच्छर भिनभिना रहे हैं, जो काई जम गई है, वो किसी न किसी बीमारी की ओर साफ तौर पर इंगित कर रही है। इस क्षेत्र के लोग महापौर से लेकर इलाके के जनप्रतिनिधियों को आगाह कर चुके हैं, आग्रह कर चुके हैं, मगर किसी के कान पर जू रेंगते दिखाई नहीं दे रही है। कैमरामैन भवानी सिंह तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां तक नजर जा रही है वहां तक काई और गंदा पानी। इस पानी के अंदर सीवरेज का पानी भी शामिल हो गया है, तो आप सोचिए कि इस इलाके में रहने लोगों की हालत क्या हो रही होगी। इस इलाके के जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करके देखते हैं कि आखिर आपने किस स्तर पर कोशिश की और इसका कोई नतीजा क्यों नहीं निकल रहा। सर, हमने हर स्तर पर कोशिश कर ली, नगर निगम चले गए, पीएचडी ऑफिस चले गए। ये समस्या आज की नहीं सर, पिछले 3-4 सालों की है। यहाँ और भी इलाकों का पानी इकट्ठा होता है और साथ में बारिश का भी पानी इकट्ठा होता है। हमने बार बार नगर निगम का भी दरवाज़ा खटखटाया, धरने किए, प्रदर्शन किए, लेकिन कोई ठोस समाधान अभी तक नहीं निकला है। पानी के अंदर जैसे ही हम जाते हैं, जाने के बाद पूरा शरीर अकड़ जाता है। जैसे इस पानी की बूंदें अगर किसी के शरीर पर टच होती है तो उसका पूरा शरीर जकड़ जाता है। इस पानी की ये खासियत है, अगर आप उदाहरण के तौर पर इस पानी के अंदर थोड़ा पैर रख दें और वापस पैर बाहर निकाले, आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा आपका पूरा शरीर जकड़े महसूस करेगा। तो आप देख सकते हैं कि किसी न किसी जहरीला पानी हो चुका है, इसको निकाला नितांत आवश्यक। आप तस्वीर भी देखिए जिस तरीके से यहाँ पानी एकत्र है। हम ये कोशिश करते हैं, एक नाव में चढ़ते हैं, नाव मंगवाते हैं और नाव में जाकर के इसका दौरा करके देखते हैं कि आखिर किस तरह से लोगों को इसका नुकसान हो सकता है। डगमगाती हुई नाव को आप देखिए कि क्या हालात जो इस इलाके के लोग हैं। सामने मंदिर है, लोग मंदिर में दर्शन करने नहीं जा सकते, जाते भी तो नाव का सहारा लेते हैं और वो भी नाव चलाने में जो निपुण है वही जा सकता है। तो सोचिए कि इस तस्वीर को कौन ठीक करेगा। नगर निगम ने हाथ खड़े कर दिए और जलदाय विभाग की जिम्मेदारी इस पर डाल दी है। जिस तरीके से ये जो तस्वीर आप बार बार कैमरा हिलता हुआ भी नजर आ रहा है, उसकी वजह साफ तौर पर यही है कि इस इलाके के अंदर भरा हुआ पानी जब तक बाहर नहीं निकलेगा बीमारियां तो फैलेंगी, लेकिन साथ में लोगों की जान का खतरा भी है। भवानी सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।